नहीं, ऐसे कुछ नहीं। हाय गाइस, तो आज हमारे साथ ये दो टेररिस्ट, ये आतंकवादी है, एक है माधरा, एक है हाशिरामा। और आज हम कुछ क्विक सा बनाएंगे क्योंकि ये दोनों मेरे सर पे खड़े हैं और मुझे इनको भी एंटरटेन करना है, आपको भी एंटरटेन करना है। तो फिर चलो बनाते हैं क्विक। तो आज मेरे साथ ये छोटे शैतान हैं, तो इनकी आवाज़ भी बैकग्राउंड में आती रहेगी क्योंकि इनको मैंने दो कार्स दे दिए हैं हॉट व्हील्स खेलने के लिए। आप पेंटिंग का प्रोसेस एंजॉय करिए, वही मैं लाइट टू डार्क कर रहा हूँ। और सिंपल एक वर्लिंग दरवेश जो रूमी ट्रेडिशन से, सूफिज़म से बिलोंग करते हैं, वो बना रहा हूँ। और एक इमोशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं स्ट्रोक्स के थ्रू। और इनकी आवाज़ मुझसे भी ज़्यादा ऊंची है। और यहाँ तो कारों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। इनकी बातें सुनना भी एंटरटेनिंग है, पेंटिंग के साथ एंटरटेनमेंट। और क्योंकि मेरे रूम में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, आर्ट मटेरियल है, खिलौने हैं, तो इनके लिए बहुत फैसिनेटिंग रहता है ये सब कुछ, कुछ ना कुछ देखते छेड़ते रहते हैं। अब इनको लेगो ब्लॉक्स मिल गए हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए, तो दे आर एंजॉयिंग विद दैट। और मैं यहाँ पर कमेंट्री अपने आर्ट वर्क की। इसमें भी मुझे स्ट्रोक्स को काफ़ी सोच के लगाना पड़ रहा है कि मैं कहीं ओवरडू ना कर दूँ, कहीं से कुछ ज़्यादा हैवी ना हो जाए, क्योंकि ये कपड़ा जो है इसका एक फ्लो जो है वो बहुत सॉफ्ट रहता है। तो मैं इसको पूरा एक सॉफ्टनेस लाने की कोशिश करूँगा, हालांकि लाइंस मेरी बहुत शार्प हैं, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो कंपोजिशन है पूरी वो सॉफ्ट रहे। कोशिश करो। Yeah.
मैं डायरेक्शनल स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ कपड़े पर, जिस तरफ को कपड़ा रोटेट हो रहा है उस तरफ को। इससे आईज़ को एक मूवमेंट मिल जाएगी, क्योंकि हमारी आँखों को आदत है कि जिस तरफ को लाइन जाती है, जिस तरफ को एरो जाता है, हमारी नज़रें भी उसी तरफ को जाती हैं। तो इसलिए उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ताकि ये हवा में ना लगे तो इसलिए मैं नीचे एक हल्की सी शेडो ऐड कर रहा हूँ। बस इट्स डन गाइस। सो गाइस, ये था फाइनल आर्टवर्क, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है ना, करना है ना लाइक। ऐसे लाइक कैसे करते हैं? ऐसे गुड गुड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हर रोज़ नए आर्टवर्क के लिए। फिर मिलते हैं कल नए आर्टवर्क के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय कर दो बाय।